हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट्स, मतलब कि शैक्षिक कार्य, शैक्षिक मैनेजमेंट के, मतलब शैक्षिक प्रबंधन के कार्य। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एजुकेशन मैनेजमेंट एम्स एट द रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स जो शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति। मतलब कि जो मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है, एजुकेशनल मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा शैक्षिक उद्देश्य है, जो बच्चों को पढ़ाना है, जो हमारा उद्देश्य है, उसे प्राप्त करना है। एजुकेशनल मैनेजमेंट एग्जिस्ट्स ओनली फॉर द पीपल एंड इट्स एफिशिएंसी मस्ट बी मेजर्ड बाय द एक्सटेंट टू विच इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू टीचिंग एंड लर्निंग। मीन्स जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि जो लर्निंग टीचिंग है वो इसमें किस हद तक, मतलब हेल्पफुल होगा, वो कितना इसे हेल्पफुल करेगा। जो एक मैनेजमेंट होना चाहिए टीचिंग में, लर्निंग में, एजुकेशनल में, वो कितना, ये इससे कितना इफेक्टफुल बनाएगा, इससे टीचिंग लर्निंग में कितना फ़ायदा होगा, इसलिए मैनेजमेंट किया जाता है। देर आर वेरियस क्लियरली डिफाइंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट विच थ्रू मोर लाइट ऑन, नेमली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, इवेल्युएटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो ये सारी चीज़ें इसमें, इन सारी चीज़ों के थ्रू इसमें कार्य किए जाते हैं, और एक मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। प्लानिंग फंक्शन फर्स्ट है आपका। प्लानिंग इज़ द क्रूशियल स्टेप इन द एजुकेशनल मैनेजमेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक मैनेजमेंट में। पहले प्लानिंग ही किया जाता है, और इसी के, मतलब इसी से प्लान किया जाता है कि हाँ इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और कब होना चाहिए, कब कब नहीं होना चाहिए। मीन्स कि एक स्कूल में कैसे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, वो सारे प्लानिंग फर्स्ट स्टेप में ही आती है। एन अनप्लान्ड मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट गो फॉर वेरी फॉर। मीन्स कि जो एक अनप्लान्ड मैनेजमेंट होता है जिस स्कूल में, कोई मैनेजमेंट ही नहीं होता है, ना ही कि वहाँ के प्रशासक कुछ मैनेजमेंट करते हैं, ना ही वो मैनेज करते हैं कुछ, कुछ अच्छा मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो वो दूर तक नहीं जाता, मतलब ज़्यादा चलता नहीं है, अच्छे से इफेक्टिव नहीं चलता। ओनली अ प्लान्ड अप्रोच कैन अचीव द डिज़ायर्ड। प्लानिंग शुड प्रीसीड एवरी परफॉर्मेंस। मीन्स एक जो प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक जो प्लानिंग के साथ काम करते हैं ना, वही सिर्फ अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, वही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जो स्कूल में अच्छे से सब कुछ प्लानिंग के तहत होगा, कब कहाँ कैसे वाली चीज़, कहाँ पे कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें होगा तो ही ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से इफेक्टिव वो काम होगा। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, इट इज़ द फंडामेंटल टास्क इज़ इन एवरी एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है, ये सेकेंड स्टेप है एक स्कूल में, और ये भी क्या है, एक फंडामेंटल मीन्स मौलिक काम है, ज़रूरी काम है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ द मशीन फॉर गेटिंग थिंग डन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एक संगठन क्या होता है, एक मशीन जैसी होती है, लाइक मशीन, और सारी चीज़ें को अचीव करने की, प्राप्त करने की एक मशीन टाइप होती है, मतलब कि उसे हर चीज़ को पाना है, और इन सारे फंक्शन के थ्रू और लोगों के थ्रू। इट मेनली कंसर्न विद प्रोविजन, अरेंजमेंट एंड मैन पावर विच इनेबल द एडमिनिस्ट्रेशन टू कैरी आउट इट्स फंक्शन। मीन्स ये किस किस से चीज़ों से होता है, ये किस चीज़ों से अपने गोल को अचीव करता है। प्रोविजन मीन्स प्रावधान, जो जो अपने स्कूल में या ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रावधान, जो प्रोविजन लागू करेगा उससे, अरेंजमेंट से, एंड मैन पावर, उसके मैन पावर जो हैं, जो भी उसके फैकल्टीज़ हैं, जो टीचर्स हैं, जो वहाँ पे इम्प्लॉयज़ हैं, उन लोगों के थ्रू वो अपनी जो वहाँ का प्रशासकीय कार्य है वो फंक्शन करेगा। मतलब कि मैनेजमेंट कैसे होगा, अपने इन सारी चीज़ों से, प्रोविजन, अरेंजमेंट एंड मैन पावर से। इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स थ्रू द अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ के प्रशासक होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो भी क्या करते हैं हमेशा, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही काम करते हैं, क्या उसमें काम करना है उसके हिसाब से ही काम करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, डायरेक्शन फंक्शन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द ह्यूमन एफर्ट्स एंड अचीविंग एम्स ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब क्या है, जो सुपरवाइज़र सुपरविजन से, अपने गाइडिंग से, उन्हें मोटिवेट करके वो एम्प्लॉयज़ को अपने गोल को और उद्देश्य को, मतलब अपने उद्देश्य और लक्ष्य को अचीव करने का प्रयास करते हैं वो लोग।
डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स लीडरशिप विच हैज़ अ की रोल टू प्ले इन एडमिनिस्ट्रेटिव। जो डायरेक्शन होता है वो एक लीडरशिप को मतलब रिप्रेजेंट करता है। ये जो डायरेक्शन करता है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब कि जो अच्छे से लीड कर सके लोगों को, वही। और ये क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स प्रशासकीय कार्य में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी भूमिका जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। दिस इज़ द अथॉरिटी विच डायरेक्ट थिंग डन। डायरेक्शन शोज द वे, इट जनरलाइजेज द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द कॉमन गोल। इसका मतलब क्या है कि यह एक अथॉरिटी है, ठीक है, जो डायरेक्ट करता है लोगों को, वो वही अथॉरिटी होती है मेन, और मतलब कि उसका अधिकार होता है ये। और वो क्या करता है कि लोगों को डायरेक्ट करता है और उसे रास्ता भी दिखाता है, मतलब डायरेक्शन भी उसे दिखाता है एक रास्ते का। इट चैनलाइज द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो जो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, जो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो इंस्टीट्यूट है, वो क्या करेगा, उनका एक ही गोल होता है, कॉमन गोल के पीछे ही सब लोग काम करते हैं और उसी गोल को पाने के लिए ही सब लोग हमेशा ट्राई करते हैं। इन एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज़ ऑलवेज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि बहुत सारे मेंबर हमेशा रहते हैं, एक दो व्यक्ति नहीं रहते, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं, बहुत सारे पीपल रहते हैं कि जो मिलके काम करते हैं। डिफरेंट फंक्शनरीज ऑफ द मशीनरी आर मेड टू परस्यू द कॉमन गोल बाय प्रॉपर कंट्रोल, फेलिंग विच दे पुल इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसका मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग लोग होते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मतलब कि उन्हें गाइड किया जाता है, लेकिन अगर एक ही गोल को पाने के लिए लोग अलग अलग जगहों पे मतलब अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएं, कोई अलग काम कर रहा है, कोई अलग काम कर रहा है, कोई अपनी मनमानी कर रहा है, अगर कोई जो लीड करने वाला है, जो लीडर है, उसे बराबर नहीं फॉलो कर रहा है या फिर वो नहीं कंट्रोल कर पा रहा है प्रॉपर, तो क्या होगा कि वो जो गोल अचीव करना है वो फेल हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन फंक्शन मीन्स एक साथ काम करना, एक सामंजस्य बना के रखना, एक तालमेल बना के रखना, ओके। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजिंग इन अ यूनिफॉर्म वे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पर्सन मटेरियल्स एंड सर्विसेज सो एज टू इंटरव्यू देम टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या है, यह एक प्रक्रिया है किसकी, हार्मोनाइजिंग मीन्स एक सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है, एक तालमेल करने की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे पर्सन बहुत सारे होते हैं, एक ही तरीके का मटेरियल होता है, सुविधाएं होती हैं, सर्विस होती हैं, क्यों, क्योंकि सबको एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक ही उद्देश्य सबको अचीव करना है, मतलब एक सामान्य जो एक एक जो गोल है उसे पाने के लिए ये सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, पर्सन्स मटेरियल सर्विस। फॉर दिस पर्पज़ द मैनेजमेंट शुड क्लियरली डिफाइन डिवीजन ऑफ लेबर, अलोकेशन ऑफ टास्क एंड कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर ह्यूमन और मटेरियल एलिमेंट्स। सो पहला क्या है कि इसके लिए क्या किया जाता है कि क्लियरली उसे मतलब इस उद्देश्य को मतलब मैनेजमेंट को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए इस उद्देश्य को, मतलब इस उद्देश्य से कि हमें एक ही गोल को अचीव करना है, उसके लिए एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर, तो इसमें क्या होता है, जो काम है उसके लिए अलग अलग बांट दिया जाए, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाए, ओके। अलोकेशन ऑफ टास्क, काम को भी अलग अलग बांट दिया जाए, और जो एक कंट्रोल होना चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए, मतलब कि लोगों को गाइड करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, जो पर्सन है उन्हें कंट्रोल करने आना चाहिए, और उन्हें ताकि वो क्या काम कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ध्यान देना होगा लीडर को जो उसे लीड कर रहा है, ओके, जो कंट्रोल कर रहा है, उसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, कि इस काम करने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या नहीं प्रॉब्लम, बच्चों को हैंडल करने में क्या प्रॉब्लम आ रही, दिक्कत आ रही, वो सारी चीज़ें मतलब एक लीडर को अच्छे से ये सब काम करना चाहिए। नेक्स्ट है इवेल्युएटिव एंड रिव्यूइंग फंक्शन, मतलब ये सारे काम के बाद क्या आता है, मीन्स प्लानिंग के बाद, ऑर्गेनाइजिंग के बाद, डायरेक्शन के बाद, कंट्रोलिंग के बाद, इसके बाद क्या आता है, इवेल्युएट करना, उन्हें टाइम टाइम पे इवेल्युएट करना, उनका मूल्यांकन करना कि काम कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। तो इवेल्युएशन एंड असेसमेंट नीड टू बी डन इन रिस्पेक्ट इन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स। इन सारी चीज़ों में, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, इन सारी चीज़ों में ये इवेल्युएट करना ज़रूरी है कि हाँ काम कैसा हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। द आउटकम्स शुड बी इवेल्युएटेड एंड प्रोग्रेस बी रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो आउटकम्स है, जो परिणाम है,
ओके, जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या आ रहा है वो उसको भी इवेल्युएट करना जरूरी है, उसका भी मूल्यांकन करना टाइम टू टाइम जरूरी है। इट मे बी डन इंटरनली विद द हेल्प ऑफ पर्सनल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस और एक्सटर्नली विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट आउटसाइड द सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि ये कैसे किया जा सकता है, इवेल्युएट कैसे मूल्यांकन किया जा सकता है, इंटरनली मीन्स जो अंदर काम कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो पर्सन सब लोग मिल के देखें कि हाँ काम क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और एक्सटर्नली कैसे कि बाहर का कोई एक्सपर्ट है जो बिजनेस एक्सपर्ट है या फिर जो उस लाइन का एक्सपर्ट है उससे पूछा जाए। सच इवेल्युएशन एंड रिव्यू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस फैसिलिटेटर्स एंड इम्पीडिमेंट्स। इसे क्या पता चलेगा इस ये इवेल्युएट करने से, मूल्यांकन करने से कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ क्या है, ओके, वीकनेस क्या है, फैसिलिटेटर्स का क्या रोल है क्या नहीं है, और उसमें क्या बाधा रुकावट आ रही है, इम्पीडिमेंट्स मीन्स वो सारी चीज़ें क्या बाधा रुकावट आ रही है वो चीज़। एजुकेशन मैनेजमेंट एम्स एट मिनिमाइजिंग वेस्टेज बोथ हिज मटीरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बाय रेगुलेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ एंड वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूट इन अ सिस्टमेटिक मैनर। इसका मतलब क्या है कि एजुकेशन मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, मैनेजमेंट क्यों किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे क्या हो कि जो मटीरियल है, जो रिसोर्सेज हैं और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और जो मटीरियल हैं सुविधाएँ हैं जो, उनका वेस्ट ना हो सके। अब घर का ही देख लीजिए, अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं घर का तो कुछ भी फालतू वेस्ट नहीं होगा। अगर खाना बनाना है तो अगर मैनेजमेंट के थ्रू कि हाँ किस हिसाब से कितने पर्सन है उतने हिसाब से बनाएंगे तो कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। इसके लिए कि मैनेजमेंट में भी वैसा ही है, ऑर्गेनाइजेशन में भी वैसा ही है कि मैनेजमेंट अगर प्रॉपर रहेगा तो किसी भी चीज़ का वेस्ट नहीं होगा। प्रॉपर सबकी एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन रहेगा लोगों के साथ काम करने में, और सिस्टमेटिक मैनर से चलेगा काम, तो फिर वो सब वेस्ट नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है मैनेजमेंट इस सिस्टमेटिक मैनर में चलाने के लिए, इस इंस्टीट्यूट को और एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में करने के लिए, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में ही आती हैं और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इट अवॉइड्स ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन एंड इंश्योर सेटिस्फैक्ट्री फंक्शनिंग ऑफ द होल मशीनरी। इससे क्या होता है मैनेजमेंट से कि कोई भी चीज़ दोहरानी नहीं पड़ती है, कि चीज़ अगर मैनेजमेंट आपने किया है तो उसका आपको टाइम टेबल बता रहेगा, हाँ पहले ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है। मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो कभी आप एक ही एक चीज़ को छोड़ देंगे और एक ही चीज़ बार बार दोहराते रहेंगे, ओके, तो ये चीज़ होती है। इट क्रिएट्स सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बाय वाइडनिंग देयर आउटलुक, ट्रेनिंग एंड हेल्पिंग देम टू हैव प्रॉपर एडजस्टमेंट इन देयर लाइफ। मैनेजमेंट से क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है उन्हें ग्रोथ करने की, और डेवलपमेंट उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ में एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, और उन्हें सब कुछ मतलब एक अच्छी तरीके से वो कर पाते हैं काम, और उन्हें उन ट्रेनिंग में भी जो उन्हें ट्रेनिंग मिलती है उन्हें हेल्प करेगी बाद में उनकी फ्यूचर लाइफ में एडजस्टमेंट करने में। इट हेल्प्स द टीचर टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल्स। इससे क्या होगा, टीचर को भी हेल्प मिलेगी कि वो इसके इसके थ्रू वो बच्चों में एक इंटरेस्ट दिला पाएंगे डेवलपमेंट में, उनकी उनकी पर्सनैलिटी में एक एक अच्छा एक विकास कर पाएंगे बच्चे, और उनकी पर्सनैलिटी भी में भी एक अच्छा व्यक्तित्व तो होगा। इसलिए एजुकेशनल मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है एक स्कूल में। ओके, थैंक यू सो मच।